धार कोतवाली व यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए महाराष्ट्र से गुजरात ले जाई जा रही लाखों रुपए की प्रीमियम बियर जब्त की गई। एसपी मनोज कुमार सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बकलवार के निर्देशन पर नगर पुलिस अधीक्षक रविन्द्र बासकले के मार्गदर्शन में अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई करते हुए धार शहर के इंदौर नाके पर महाराष्ट्र से गुजरात ले जाई जा रही नाकेबंदी कर इसकी तलाशी ली गई। ट्रक में 1450 विभिन्न ब्रांड की लाखों रुपए की प्रीमियम बियर की पेटी जब्त की गई। आपको बता दें कि बियर भरकर जा रहे ट्रक का परमिट औरंगाबाद धुले पलासनेर इंदौर होकर कोटा ले जाया जाना था, लेकिन ट्रक चालक परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए धार होकर गुजरात जा रहा था। पुलिस ने विशाल पिता रामा भाई तथा राणा पिता काना भाई निवासी गुजरात को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास कर रही है। इस प्रकरण में पुलिस ने 52,80,000 रुपए की बियर, 20,00,000 रुपए कीमत का ट्रक, कुल 72,80,000 रुपए का मशरूम का जब्त किया है। सूचना मिली थी कि एक शराब से भरा हुआ ट्रक इस तरफ मूव कर रहा है, धार की तरफ मूव कर रहा है। सीएसपी कोतवाली, टीआई कोतवाली, साइबर की टीम ने जब ट्रक को रोका तो पता चला कि इसका जो परमिट है वो औरंगाबाद से लेके कोटा तक का था। धूले 40 गांव वगैरह होकर क्लियर रहता किस किस रूट को से होकर वो जाएंगे। पता करने पर पता चला कि नहीं, ये अपना रूट को डाइवर्ट करके ये अवैध शराब को भुज में ले जा रहे थे। जब उनके और भी एंटीसीडेंट चेक किए गए तो भुज के दो लोग, विशाल पिता रामा भाई रेवारी और राणा पिता काना भाई रेवारी, ये दो लोग गिरफ्तार हुए हैं। जब ट्रक को खोला गया तो ट्रक में अवैध शराब जो कि बहुत प्रीमियम बियर है, कोरोना, बडवाइजर, इनकी जो मैग्नम क्वालिटी है, उनकी 1450 पेटियां जब्त हुई हैं। टोटल जो मशरूका है, टोटल मशरूका 72,80,000 का है, जिसमें कि 20,00,000 का ट्रक भी है। और इस कार्रवाई में सीएसपी कोतवाली रविंद्र बासकले, टीआई कोतवाली सुनील शर्मा, साइबर की टीम, ट्रैफिक की टीम और टीम में जितने भी लोग थे उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और अवैध शराब को लेकर धार पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है। अभी तक हमें 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके एंटीसीडेंट चेक किए जा रहे हैं कि वो किनसे बात कर रहे थे, लगातार कहां, किस तरफ ट्रैक कर रहे थे और वहां पर किसको डिलीवर करने जा रहे थे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।